जिसका हम लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद CBSE अपना फैसला क्या सुनाएगी, क्या क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो रह रहे थे बाकी वो होंगे या नहीं होंगे, क्या डिसीज़न होगा। ये बहुत टाइम से मतलब चल रहा था कि क्या होगा, तो आज उसका फैसला आ चुका है जहाँ पर क्लियरली ये बात कही गई है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल्ड हो चुके हैं। तो क्लास 10 का अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। उन लोगों को उनके इंटरनल बेसिस पर जो बच रहे हैं एग्ज़ाम और इंटरनल बेसिस पर उनका जो है क्राइटेरिया लेकर और रिज़ल्ट तैयार कर दिया जाएगा। जबकि फोर क्लास 12th एक ऑप्शनल तरीका उन्होंने बताया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि ही फर्दर एडेड दैट ऑल क्लास 10 एग्जामिनेशन हैव बीन कैंसल्ड। क्लास 12th हाउ एवर इज़ ऑप्शनल। क्लास 12th के लिए ऑप्शन दिया गया है दैट CBSE has a scheme in which marks scored in past 3 exams कि पिछले 3 exams में जो उनके marks आए हैं will be taken into account, उनको जोड़ लिया जाएगा for class 12th, the marks will be conducted as soon as the situation is conducive, marks for the student who optional for the class 12 examination will have that marks as final। तो उनके लिए वही 3 exams के basis पर जो है final marks दे दिए जाएंगे। आगे ये भी बताया है कि CBSE has told that class 12 students would have to share their decision on whether to option for the examination, कि class 12th के बच्चे जो हैं students जो हैं वो ये decision लेंगे कि क्या उन्हें exam लेना है या फिर to accept the marks based on the 3 previous examination as scored by the student, या फिर वो अपने पिछले 3 exams के basis पर अपना result लेना चाहेंगे। और बाकी अगर एग्ज़ाम जो है ऑप्शनल वाला वो होगा या कब होगा इसकी कोई डेट अभी नहीं पता चली है।